नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 29 अप्रैल का दिन है। अगर हम आज के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्वी भारत में हीट वेव यानी उष्ण लहर की स्थितियां लगातार 15 अप्रैल से बनी हुई हैं, जो कि अभी भी जारी रहने की संभावना है 1 मई तक। उसके बाद उसमें धीरे धीरे कमी आने की संभावना है। जहाँ तक दक्षिण प्रायद्वीप भारत में हीट वेव की स्थितियों का सवाल है, वहाँ पर अभी हीट वेव की स्थितियाँ यानी उस लहर अगले 4 से 5 दिन तक बने रहने की संभावना है। अगर हम वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा की गतिविधियाँ पूर्वोत्तर राज्यों में, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय और उसके सटे हुए जो क्षेत्र नागालैंड, मणिपुर आदि, वहाँ पर एक्टिविटी आने वाले 4 से 5 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। और जो पश्चिम हिमालय क्षेत्र, खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उससे सटे हुए जो मैदानी क्षेत्र, खासतौर से पंजाब का जो क्षेत्र है, वहाँ पर एक्टिविटी आज बने रहने की संभावना है और उसके बाद उसमें कल से कमी आने की संभावना है। ये हमारे 4 मुख्य बिंदु हैं। अगर हम बात करें कल जो जारी हुआ मौसम है, जो हमें प्राप्त हुआ, उसके हिसाब से मुख्य रूप से जो बोल सकते हैं वो यही है, उस लहर की गतिविधियां जारी रही हैं पूर्वी भारत में, खासतौर से गंगी पश्चिम बंगाल और जो उड़ीसा का क्षेत्र है। इसके अलावा हीट वेव की स्थितियां देखने को मिली हैं बिहार में, रायलसीमा में, दक्षिणी तीर कर्नाटक में और कोंकण रीजन जो तटीय क्षेत्र महाराष्ट्र का है वहाँ पर। इसके अलावा अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो ओलावृष्टि की स्थितियां देखने को मिली हैं जम्मू कश्मीर में और आसाम मेघालय के क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश में 11 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा और 7 से 9 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा आसाम और मेघालय में देखने को मिली है। बाकी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर पूर्वोत्तर के राज्यों में, कुछ स्थानों में जो पश्चिम हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उसके आइसोलेटेड एक्टिविटी जो मैदानी क्षेत्र वहाँ पर। इसके अलावा दक्षिण प्रायद्वीप भारत, खासतौर से केरला में भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई। अगर हम तापमान, खासतौर से अधिकतम तापमान की बात करें तो अभी भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बने हुए, खासतौर से दक्षिण प्रायद्वीप भारत, पूर्वी भारत और से सटा हुआ जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र वहाँ पर। और इसी क्रम में पूर्वी भारत, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तापमान अपने सामान से ज़्यादा बने हुए हैं। और जो पूर्वोत्तर के राज्य, खासतौर से जो पश्चिमी क्षेत्र आसाम का, जो उपमाली पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो, चाहे नागालैंड के अलावा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का क्षेत्र, वहाँ पर भी तापमान सामान से अधिक बने हुए हैं। और दक्षिण प्रायद्वीप भारत में भी अभी तापमान सामान से अधिक बने हुए, इसलिए वहाँ पर उस लहर की स्थितियाँ लगातार बनी हुई दर्ज की जा रही हैं। अगर हम आज के सिनोप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि एक पश्चिम विक्षोभ जो कि पूर्वी अफगानिस्तान के आसपास बना हुआ है, एक साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में, और इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के आसपास निम्न क्षोभ मंडल में देखा जा रहा है। इन सब के प्रभाव में आज एक्टिविटी पश्चिम हिमालय क्षेत्र में, खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब और उत्तराखंड में बने रहने की संभावना है। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तरी पूर्वी आसाम के आसपास जो कि कई दिनों से अभी बना हुआ है, और एक ट्रफ लाइन मणिपुर से और एक ट्रफ लाइन बिहार से मणिपुर की तरफ चल रही है निम्न क्षोभ मंडल में। इन सब के प्रभाव में पूर्वोत्तर के राज्यों में वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। और एक साइक्लोन सर्कुलेशन दक्षिणी तमिलनाडु के आसपास और एक ट्रफ लाइन पश्चिमी जो विदर्भ का क्षेत्र वहाँ से लेकर के इंटीरियर कर्नाटका तक बनी हुई है। इन सब के प्रभाव में आने वाले अगर हम 5 दिन की बात करें तो उस लहर की स्थितियाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, पूर्वी भारत उससे सटा हुआ जो उत्तर पश्चिम, खासतौर से उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, इसके अलावा दक्षिण प्रायद्वीप भारत में, खासतौर से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इंटीरियर कर्नाटका, केरला और पश्चिम की अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र, कच्छ और तटीय महाराष्ट्र में स्थितियां आज हीट वेव की देखने को मिलती रहेंगी। इसके अलावा हम कल की बात करें तो सौराष्ट्र, कच्छ में हीट वेव की स्थिति, पश्चिम भारत में, दक्षिण प्रायद्वीप भारत में, इंटीरियर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में और पूर्वी भारत में गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में और इसके साथ साथ झारखंड और बिहार में और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी हीट वेव की स्थितियाँ 30 तारीख को भी बनी रहेंगी। कम होगी ऐसी स्थिति 1 तारीख को। हालांकि 1 तारीख को पूर्वी भारत में थोड़ी सी धीरे धीरे कमी आने की संभावना रहेगी और इसीलिए हालांकि हम समरी में ये बोल सकते हैं कि पूर्वी भारत में 1 तारीख तक हीट वेव की स्थितियाँ बनी रहेंगी, उसके बाद उनमें धीरे धीरे कमी आएगी, एकदम से हीट वेव की स्थितियाँ खत्म होने वाली नहीं है। और दक्षिण प्रायद्वीप भारत में आने वाले 4 से 5 दिनों में हीट वेव की स्थितियाँ बने रहने की संभावना है। अगर हम बारनाइट की बात करें तो आप इन मैप से देख सकते हैं बारनाइट की स्थितियां आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसके साथ साथ इंटीरियर महाराष्ट्र, खासतौर से मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा इंटीरियर कर्नाटक में आने वाले 4 से 5 दिन तक बारनाइट की स्थितियां
देखने को मिलती रहेंगी। अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव में पंजाब में और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि आज होने की संभावना है। कल से ओलावृष्टि में कोई संभावना नहीं दिखती, हालांकि सिक्किम में 1 तारीख को ओलावृष्टि की संभावना दिखाई देती है। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो आज भारी वर्षा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी वर्षा होने की संभावना है। 30 तारीख को भारी वर्षा पश्चिम वाले क्षेत्र में कमी आएगी इंटेंसिटी, हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन बना रहेगा। हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 30 तारीख को भी देखने को मिलने की संभावना रहेगी। हालांकि भारी वर्षा 30 तारीख को अरुणाचल प्रदेश और आसाम मेघालय में देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में ये एक्टिविटी जारी रहेगी, इसलिए 1 तारीख को भी अरुणाचल प्रदेश आसाम मेघालय इसके साथ साथ नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा में 1 तारीख को भारी वर्षा होने की संभावना है। 2 तारीख को इसमें इंटेंसिटी में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल यानी भारी से अति भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश आसाम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा में होने की संभावना 2 तारीख तक रहेगी। उसके बाद 3 तारीख से इंटेंसिटी में वर्षा में कमी आएगी। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर पूर्वोत्तर के राज्यों में आने वाले 5 दिनों तक बने रहने की संभावना है। इसी को ही हमने जिक्र करने की कोशिश की, आप देख सकते हैं फैली वाइड स्प्रेड से वाइड स्प्रेड एक्टिविटी आज जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में, स्कैटर्ड एक्टिविटी उत्तराखंड और पंजाब में, आइसोलेटेड एक्टिविटी हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में आज होने की संभावना है। अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें आप देख सकते हैं फैली वाइड स्प्रेड से वाइड स्प्रेड एक्टिविटी 5 दिनों तक हमने लगा के रखी है। छिटपुट वर्षा मध्य भारत में आज खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ में उड़ीसा में भी हाईसोलर एक्टिविटी आज थंडरस्टॉर्म के साथ होने की संभावना है। कल से मध्य भारत पूर्वी भारत पश्चिम भारत इनमें कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना नहीं है, मौसम प्राय शुष्क बना रहेगा। हालांकि पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी वर्षा के साथ साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा ज़्यादातर स्थानों में बनी रहेगी। दक्षिण प्रांतीय भारत में भी आज कल और परसों खासतौर से जो तमिलनाडु और केरला का क्षेत्र वहाँ सब आने वाले 4 से 5 दिनों तक हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा इक्का दुक्का पॉकेट्स में बने रहने की संभावना है। अगर हम द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आने वाले 4 से 5 दिनों तक हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा 1-2 पॉकेट्स में होने की संभावना है। तो ये हमारे आज का मौसम है जो आने वाले 4 से 5 दिनों तक हमने जिक्र किया है। इसकी समरी यही है कि जो हीट वेव उष्ण लहर की जो स्थितियां हैं वो पूर्वी भारत में 1 तारीख तक बने रहने की संभावना, उसके बाद उसमें धीरे धीरे कमी आएगी। दक्षिण प्रांतीय भारत में उष्ण लहर की स्थितियां आने वाले 5 दिनों तक बने रहने की संभावना है। भारी वर्षा का स्पेल जो पूर्वोत्तर के राज्यों में चल रहा है वो आने वाले 4 से 5 दिनों तक बने रहने की संभावना है। पश्चिम हिमालय क्षेत्र खासतौर से जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में एक्टिविटी आज रहेगी, उसके बाद इसमें कमी आने की संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक कि नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।